हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं कोई वीडियो बताने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने अपने स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा और आप मुझे टेलीग्राम पे दोस्तों सॉल्यूशन के नाम पे भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इंटरनेशनल मैचेज़ में मैं आपको सेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों बहुत से मैचेस की मैं वीडियो नहीं बना पाता, जैसे कि दोस्तों ECS Vitality, तो उसकी मैचेस की अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। तो दोस्तों ज्वाइन हो जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक जो है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच जो T20 सीरीज़ चल रही है, उस T20 सीरीज़ के दोस्तों फोर्थ मैच की मैच प्रेडिक्शन। जो फोर्थ मुकाबला है दोस्तों, ये खेला जाएगा आपका दोस्तों 1 जुलाई की रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला होगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट जॉर्ज ग्रेनेडा में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों में नज़र डालूं तो वेस्ट इंडीज़ के पास जो प्लेयर हैं वह आंद्रे फ्लेचर, क्रिस गेल, लैंडन सिमंस, बल्लेबाजी में शिमरन हेटमायर, आंद्रे रसल, ड्वेन ब्रावो, फैबिन एरन, कैरन पोलार्ड, ईविल लुइस, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका की जो है दोस्तों बल्लेबाजी में डालूँ तो उनके पास कायल वरेने, एन माक्रम, जेमिन मलान, रेसी वैन एंडरसन, रीजा हैंड्रिक्स, टेम्बा बबूमा जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, डेविड मिलर, क्लिंटन डीकॉक जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी में तो मुझे वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी लग रहा है। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी पर डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी पर डालूँ तो दोस्तों उनके पास अकेला हुसैन, फिदल एडवर्ड्स, हेडन वॉस जूनियर, के सिंक्लेयर, ओवेड मकॉय और ओशेन थॉमस, शेल्डन कॉटरल जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी में डालूं तो उनके पास लुंगिसन नंगेडी, सिसादा मंगेला, तबरेज शमशी, जॉर्ज लिंडे जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों, और एरन नॉर्के, कंगीश्वर अवाड़ा, एंड्रो फ्लुकवायो जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो भले ही बल्लेबाजी में वेस्ट इंडीज़ का पल्ला भारी हो पर गेंदबाजी में तो मुझे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका का पल्ला भारी लग रहा है। और आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर उस ऐप के लिंक पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड करें और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टीम मैच जीतेगी, तो प्रेडिक्ट करें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर सॉल्यूशन के नाम पर भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच मेरा चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं इंटरनेशनल मैचेस में आपको सेशन भी प्रोवाइड कराता हूं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों बहुत से मैचेस होते हैं जैसे विटाल्टी हो गया, ECS हो गया, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता पर उसकी मैच प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम में देता हूं। तो ज्वाइन हो जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैच विनर होगी वो होगी वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ जो है लगातार 2 मुकाबले हार गई है, पर मेरे हिसाब से जो 5 मैचों की सीरीज़ है उसमें वेस्ट इंडीज़ कमबैक करेगी, क्योंकि कमबैक करना वेस्ट इंडीज़ का बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से कमबैक करेगी और ये मुकाबला जो है वेस्ट इंडीज़ जीतेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।